जया राधा माधव कुंजा विहारी, जया राधा माधव कुंजा विहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रणाम हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चितिः। मुखं करोति वाचालं
पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय षष्ठ अध्याय ध्यान योग श्लोक संख्या 16। नात्यस्नातस्तु योग अस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। नात्यस्नातस्तु योग अस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। नात्यस्नातस्तु योग अस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। इस श्लोकर शब्दानुवाद न केबे नुहे अति अत्यंत अस्नतः जे अधिक भोजन करे तहार तू किंतु योगः योग भगवान का सह संयोग अस्ति अछि न किंबा नुहे च मध्यम कांतम खूब कम अनस्नतः भोजन त्याग न किंबा नुहे च मध्यम अति अत्यंत स्वप्नशीलस्य जे अधिक शयन करे तहार जाग्रतः किंबा जे अधिक रात्रि जागरण करे न नुहे एव केबे च एवं अर्जुन हे अर्जुन। इस श्लोकर शब्दानुवाद अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा जीवा हे अर्जुन जदि केही अत्यधिक भोजन करे किंबा खूब कम भोजन करे अत्यधिक शयन करे किंबा यथेष्ट परिमाण रे शयन न करे ता पक्षरे जोगी हेबा संभवपर नुहे। इस श्लोकर श्रील प्रभुपाद द्वारा जीवा भावार्थ जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जा। योगी मानक निमित्त आहार निद्रा रे किपरि संयम अभ्यास करबा को हेबो सही कथा एठारे कुहा जाइछि। शरीर ओ आत्मा को सुस्थ रखिबा निमित्त जेतिकि भोजन दरकार ताहा अपेक्षा अधिक भोजन को अधिक भोजन बोली कुहा जाय। मानव पक्षरे पशु मांस भक्षण रो कोनोसे आवश्यकता नाही कारण शस्य साग सब्जी फल ओ दुग्ध प्रचुर परिमाण रे जोगाइ दिया जाउछि। भगवद गीता अनुजाई यही सरल खाद्य को सात्विक खाद्य बोली कहा जाए। जो मैंने तमोगुण विशिष्ट से मैंने पशुमांस भक्षण करती तेणु जो मैंने पशुमांस भक्षण करती मद्यपान करती एवं भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित हो नथिबा खाद्य ग्रहण करती से मैंने पाप कर्म प्रतिक्रिया भोग करती कारण से मैंने दूषित खाद्य ग्रहण करते ते तत्म पापा जे पच्यंत आत्मकारणात् जे इंद्रिय तृप्ति निमित्त भोजन करे किंबा निज पै रांधे खाद्य कृष्ण को अर्पण करे नहीं से केवल पाप भोजन करे एवं जे पाप भोजन करे निजर भाग अपेक्षा अधिक भोजन करे से कदापि उपयुक्त योग साधना करि पारिबो नहीं। कृष्ण को अर्पित खाद्य महाप्रसाद ग्रहण करिबा नहीं सर्वोत्तम भोजन अटे। कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति कृष्ण को अर्पित खाद्य बिना अन्य किसी ग्रहण करे ना तेणु केवल कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति ही योग साधन रे पूर्णता लाभ करिपारे जे तार मन को मन बा निजर मन मुताबक अनशन करे किंबा कृत्रिम उपाय रे खाद्य त्याग करे से योगाभ्यास करिपारिबो नहीं। कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति शास्त्र निर्देश अनुजाई उपवास करे जेतिकी दरकार तापेक्षा से अधिक उपवास बा अधिक भोजन करे नहीं एवं से ही योग साधना निमित्त उपयुक्त व्यक्ति अटे। जे अधिक भोजन करे से स्वयं अवस्था रे निश्चय अधिक स्वप्न देखिब एवं से मध्य आवश्यकता ठारु अधिक शयन करिबा केही दैनिक 6 घंटा रु अधिक शयन करिबा उचित नहीं। 24 घंटा मध्यरु जे 6 घंटा रु अधिक शयन करे से तमोगुणर अधीन होइछि बोली बुझिबाक पड़िबो। एक तमोगुण विशिष्ट व्यक्ति स्वभावतः आलस्य परायण एवं से मध्य अधिक शयन करे ए प्रकार व्यक्ति कदापि योग साधन करि पारिबो नहीं।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातिसे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो आजिकार जो भगवत गीतार श्लोक संख्या रही है षोहल नंबर श्लोक जो थी कि भगवान यह वर्णना करछंती जे निजर जो क्षुधा रही क्षुधा ठारु अधिक जे खाद्य ग्रहण करे एवं जे जहार निद्रा रही निद्रा करिवार समय ठारु अधिक समय जे शयन करे से व्यक्ति प्रकृतरे जोग करिवा को सक्षम हो पारिथाय। तो प्रथमे आसुची जोग जोगर कथा। तो जने व्यक्ति जो जोग करुचे तो से व्यक्ति जोगी बोली ताकु कुहा जीव। तो आजिकार जो समय रे जो माने तथाकथित जोगी माने अछंते से माने कोन प्रकृत रे से जो जोगर प्रकृत पंथा रहिछि ताकु प्रतिपालन करुछंती कदापि। कारण आजिकार जो सब जोग पद्धति रही केवल ये जड़ शरीर को क्यों भाव में आम पुनः प्रतिष्ठित करी ताकु पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति रे निवेश करिबा सेथि निमित्त योगाभ्यास करा जाउछ आ संपूर्ण रूपे भूल प्रक्रिया अटे। समस्ते जोगर जो सब सेंटर मानक जाउछंती एवं सेठारे बसी सेमाने किछिटा आसन किछिटा प्राणायाम ये सब अभ्यास करछंती एवं सेमानंकर निजर जो बा रोग रहिछि शारीरिक रोग ताहाकु पुनर्वार भल करि देउछंती एवं पुनर्वार सेमाने निजर गृह को आसी सी सब इंद्रिय तृप्ति रे लिप्त रहउछंती। श्रील प्रभुपाद कहंती कि गोटे व्यक्ति कौन करुछि ना अत्यधिक खाद्य ग्रहण करुछि एवं अत्यधिक खाद्य ग्रहण कर जिते बड़े तार शरीर मेदबहु हो जाते से डॉक्टरखाना को जाऊँ डॉक्टरखाना से कौन करना निजर मेडिसिन्स ये सब ग्रहण कर निजर जो फैट अच्छी ताको कमाई दे पुनर्वार आसुच्छे पुनर्वार से खाद्य खाइबा लगुचारा से कौन कर मूर्खतापूर्ण कार्य को बारंबार 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 कर तार कौन सी ये कार्यर कौन अर्थ ना यहाँ संपूर्ण भाव मूर्खतापूर्ण अटे। से ही भाव आजिकार भौतिकवादी व्यक्ति मैंने जो पदार्थ आमपाई लभ्य नुहे जहाँ आम निमित्त उद्दिष्ट नुहे
ତାହାକୁ ସେମାନେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣପଣେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲଗାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚେତନାକୁ ସେମାନେ ଖରାପ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଭୌତିକ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା କୁହାହେଉଛି କି ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆହାର ନିଦ୍ରାରେ କିପରି ସଂଯମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଯେତିକି ଭୋଜନ ଦରକାର ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୋଜନକୁ ଅଧିକ ଭୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଅଧିକ ଭୋଜନ କରିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ରୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆହାର କରିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସା ଏଇ ଇତି ଉତି ଧାଏ ଶିଷ୍ଣୁ ଦର ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ନାଇ ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନ କରିବ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର ଯେଉଁ ଏକରେ ତ ତା'ର ଯେଉଁ ଉଦର ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଉପସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରକୁ ଯିବ ଭାରି ସେତେବେଳେ ତା'ର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଆମର ଶରୀର ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତ ଆମେ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ କି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ବଢ଼େଇବା ନିମିତ୍ତ ବା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମିତ୍ତ ବା ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଏଠାରୁ ସେଠାରୁ ଯେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାହା ରଜଗୁଣୀ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ତମଗୁଣୀ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ସତ୍ୱଗୁଣୀ ହୋଇଥାଉ, ଆମେ ବାଛ ବିଚାର ରଖୁ ସବୁକିଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ନାଶବାନ ଅଟେ ଆମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେହିଭଳି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆତ୍ମା ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି ତାହା କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଉଛି, ତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଭୁଲି ଚାଲିଛି। ତ ଆମକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପୋଷଣ ମିଳିପାରିବ। ମାନବ ପକ୍ଷରେ ପଶୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ନିତ୍ୟ ମାଂସ ଆହାର କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ହେଉ। ଆମର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଅଛି ତାହା କଦାପି ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ଗଠନ ରହିଛି ବା ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ଯାହା ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି ଦାନ୍ତରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଶାଗ ସବ୍ଜି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏହା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଛୁ କେଉଁଥିରେ ନା ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ମାତ୍ର ଆମର ଜିଭାର ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣର ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଅନେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରୁଛେ। ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କି ସେହି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ନିଜର ଜିଭାର ଲାଳସା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରୁଛେ ତ ସେହି ପ୍ରାଣୀ କେହି ପ୍ରାଣୀର ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂସାର ଥିବ ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିବେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏକ ପତି ଥିବ, ତା'ର ଏକ ସନ୍ତାନ ଥିବ, ତା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ସେହି ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତ ଯେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆମର ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛେ ବା କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ ତେବେ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତ
तो सही प्राणी कौन करुचे ना पुनर्बार बा तार पुनर्जन्म आमर मध्य पुनर्जन्म से कौन करुचे ना से प्राणी आम मान कष्ट प्रदान कर तो सही समय आम क्या निंदा करुचे भगवान को निंदा करुचे यह कौन उचित कथा अटे कदा उचित कथा नहीं भगवान को आम हिंसा करने को लगे कि भगवान कौन पर मो सहित यू घटना गुड़िक घटाऊ केवल मूर्ख मान चिंताधारा केवल मूर्ख मैंने ही चिंता प्रतिपोषण करती भगवान को हिंसा करक्त सब चिंता कै कि मत सत्वगुण अवस्थान करार अच्छी भगवान जहाँ कही पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति पत्र पुष्प फल यू मु भगवान को अर्पण कर स्थान में अन्य एक कथा कि भगवान को जेपर्यंत आम कौन खाद्य पदार्थ अर्पण न करे से पर्यंत से खाद्य पदार्थ मध्य शुद्ध नुहे कहे स्थान में से श्लोक भुंजन्ते ते त्वतम पाप जे पच्यन्ते आत्मकारणान् अर्थात जो व्यक्ति भगवान को समर्पण न करी खाद्य पदार्थ ग्रहण करे से व्यक्ति कौन करे ना समस्त प्रकार पाप को भक्षण करे भावी ने पड़ो तो यदि आम देखा कि गोटे व्याघ्र कंचा मांस खाऊ तो आम मैंने कंचा मांस खावा चेष्टा करवा तो कदापि खाईपर किंतु से स्थान में आम देखुचे कि एक हस्ती टन टन आकार खाद्य खाऊ तो आम मैंने के टन टन आकार खाद्य खाईपर तो आमर ये शरीर केवल खाद्य खावा निमित्त प्रजोज्य नुह आम शरीर हूँ भगवान सेवा करने निमित्त प्रजोज्य आम जदि ये शरीर को केवल आहार निद्रा भय मैथुन ये चारोटी कार्य रत रखा तेरे आम जो मनुष्य जीवन प्रकृत लक्ष्य ता संपूर्ण भाव वृथा हो आहार निद्रा भय मैथुन च समान्य पशुवीर्णराणम धर्मो हिते समधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुवी समान अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतद् पशुवीर नराणम अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन ये चारोटी जिनस पशुठार देखा जाए था एवं एक मनुष्य ठारे मध्य देखा जाए था किंतु फरक तांक मध्यरे कौन रही था बा तांक मध्यरे पार्थक्य कौन रही था धर्मो हिते साम अधिको विशेषो धर्मे नही ना पशुवी समान अर्थात धर्मर केवल तांक मध्यरे अंतर रही था पशु पशुपक्षी मैंने केवे भी धर्म आचरण करती ना कौनसी पाखर कौनसी धर्म न था कि से मैंने कौन से स्थान को जाई भगवान कर भजन कीर्तन करें यह जो सुजोग पाखे संभव ना कि मनुष्य पाखे संभव अच्छे कि मनुष्य कदापि स्वीकार करना से कौन कर आहार जहाँ पशु करुच्छे आहार निद्रा भय मैथुन केवल ये चारोटी जिनस निजर मन को नियोजित कर जदि मनुष्य पशु भाई ये केवल आहार निद्रा भय मैथुन ये चारोटी जिनस लिप्त रहा तेरे कौन मनुष्य कह पशु बोली कह तो आम कौन पशु हवा को पसंद करवा कदापि आम मैंने मनुष्य हवा को पसंद कर मनुष्य प्रकृत धर्म कौन भगवान सेवा करवा तापर एठार कहुची कि कृष्ण को अर्पित खाद्य बा महाप्रसाद ग्रहण करिबा ही सर्वोत्तम भोजन अटे कृष्ण चेतनशील व्यक्ति कृष्ण को अर्पित खाद्य बिना अन्य किसी ग्रहण करे ना यह संपूर्ण उत्कृष्ट उपाय आम कदापि भगवान को कृष्ण को समर्पित हो ना जेहेतु भगवान संपूर्ण सृष्टि भगवान से सब खाद्य पदार्थ आम मान प्रदान कर तथापि आम भगवान को समर्पित करने द्वारा आम जो समर्पण भाव रही आमर चेतन बहुत शुद्धता आसता है भगवान
भगवान निमित्त आम भक्तिभाव वृद्धि प्राप्त होता है। तेणुक आम भगवान को भक्तिर सहित कहे ना पत्रम पुष्पम फलम तयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति अर्थात भक्तिर सहकारे जितेबाला आम यही सब पदार्थ मान भगवान को अर्पण करवा से आम चेतन भक्ति उद्रेक हो एवं आम भगवान सेवा सेवा प्रति उन्मुखी होगा। केवल महाप्रसाद ग्रहण करने द्वारा ही गोटे व्यक्ति कृष्ण चेतनाशील हुई से जोगर संपूर्ण पूर्णता स्तर को प्राप्त हो पार। आज आज जो आजिकार समाज रे अनेक समस्त पंथा रही जो सब तथाकथित जोग पंथा रही अन्य सब पंथा रही जो थी कि कौन कि आम मैंने भगवान को देखाई पार केतज कहते कि आम मैंने ही हूँ भगवान यह संपूर्ण भाव भूल अटे। जिते बड़े गोटे व्यक्ति महाप्रसाद सेवन करते तार चेतना वृद्धिप्राप्त हो तार हृदय मध्य दिव्यज्ञान प्रकाशित हो। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते अर्थात महाप्रसाद महिमा को केवल से ही व्यक्ति ही बुझिपार जार निकट में अत्यंत पुण्य बल रही है। तो यह शास्त्र निर्देश अटे। कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति शास्त्र अनुजाई उपवास करे जेतिकी दरकार ताहा अपेक्षा से अधिक उपवास व अधिक भोजन करे नहीं एवं से ही योग साधन निमित्त उपयुक्त व्यक्ति अटे। कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति केवे भी अत्याधिक आहार करे ना कारण से जानी कि ये शरीर हूँ संपूर्ण रोगर गंथागर अटे। तो जिते आम खाद्य अत्यधिक ग्रहण करवा कितने आम खाद्य कम ग्रहण करवा ताद्वारा ये शरीर आहुरी रोगग्रस्त हो तेणुक से भगवान कृष्ण को खाद्य पदार्थ समर्पण कर से जीक तार आवश्यक से अनुसार से खाद्य पदार्थ को ग्रहण करयन कथा कहुई कि गोटे व्यक्ति को छ घंटार अधिक शयन करवा उचित नुह जदि से ही व्यक्ति छ घंटार अधिक शयन कला तेरे अनेक प्रकार दुस्वप्न बाधित कराद्वारा तार जो ब्रह्मचर्य रही नष्ट एवं तार चेतना नष्ट अनेक प्रकार दुस्वप्न से स्वीकार होता है एवं से ही व्यक्ति सदा सर्वदा तम गुण विशिष्ट होता है अर्थात कौन सी वस्तुपति से उत्साहपूर्ण भी रही न था। तो यही प्रकार व्यक्ति मैंने जो मैंने तम गुण अधीन होती अधिक आलस्यपरायण होती अत्यधिक शयन करने द्वारा एवं अत्यधिक आहार करने द्वारा यही मैंने कदापि योग साधन करें यही मैंने कदापि भक्ति योगर साधन करें तेणुक आम यार निष्कर्ष यार प्रतिपादन कर आम मानक जी आवश्यक से खाद्य ग्रहण करवा दरकार जी आवश्यक से शयन करवा दरकार अत्यधिक शयन करवा दरकार ठीक टाइम आम मानक शयन करार ठीक समय यह नुह कि रातिर अत्यधिक रात्रि पर्यंत आम मोबाइल फोन गुड़ी व्यवहार करवा जिते बड़े उठवा समय पांचटा छटा से समय आम कौन करवा शयन करवा संपूर्ण भाव में तम गुणी आचरण अटे। ये सब कह जो व्यक्ति प्रातः आमर मंगल आरती समय जोटा कि रही ब्रह्म मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त समय निद्रा त्याग कर उठी थाए निजर भजन साधन करें भगवान निमित्त सेवा अर्पण करें कि भगवान दिव्य दर्शन करक्ति सत्यगुण अवस्थान एवं जो व्यक्ति यहाँ बाद सतटा आठटा ये समय निद्रा त्याग करें तो से ही व्यक्ति रजगुण संपन्न होता है। आज जो व्यक्ति नौटा दसटारे दसटा समय नौटा दसटा समय निद्रा त्याग करें तो से ही व्यक्ति तमगुण आच्छादन होता है। तो यहीपरि व्यक्ति मानकर कौन सी सफलता मैंने प्राप्त करते ना तेणुक आम मानक नित्य शीघ्र जोटा कि आम छोट बलू भी आम पढ़ी आसीचु कि शीघ्र शोवा शीघ्र उठवा
तो यहाँद्वारा आम चेतनार शुद्धता शुद्धता आसी थाए आम मैंने भगवान भक्ति रे मनोनिवेश कर पारिथाउ भगवान दिव्य सेवारे मनोनिवेश कर पारिथाउ। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।